So hello guys, welcome to Farm Hotspot. In this video, we going to discuss about biodynamic agriculture. Yeah, फिर हम इसको बोलते हैं biodynamic farming. So आपने बहुत तरह की farming देखी होगी, organic farming के बारे में पढ़ा होगा और जो normally farming होती है हमारे इंडिया में वो आपने जरूर देखी होगी. पर क्या अभी आपने biodynamic agriculture के बारे में सुना है? आई एम श्योर बहुत कम लोगों ने इसके बारे में सुना और पढ़ा होगा. तो आज हम बात करेंगे इसी इंटरेस्टिंग बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर के बारे में. सो लेट्स फाइंड आउट अबाउट बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर. सो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे इसकी डेफिनेशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके प्रिंसिपल्स जिन पे ये बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर बेस्ड है, उसके बाद उसका इफेक्ट हमारे एनवायरमेंट पे और हमारे एज ए ह्यूमन बींग पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके एडवांटेजेस कि हम क्यों उसको यूज़ कर रहे हैं, उसके एप्लीकेशंस कि हम 10 या 20% नॉर्मल फार्मिंग में भी बायोडायनेमिक फार्मिंग यूज़ करते हैं, जाने अनजाने कहीं ना कहीं बायोडायनेमिक फार्मिंग यूज़ हो रही है. कम्प्लीटली यूज़ नहीं हो रही किसी जगह, पर थोड़ी बहुत हम यूज़ कर रहे हैं. तो हम प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसके पढ़ेंगे, उसके बाद हम लास्ट में उसके पढ़ेंगे मेथड्स कि हम किस किस तरीके से ये बायोडायनेमिक फार्मिंग कर सकते हैं. सो लेट्स मूव अहेड विद द डेफिनेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बायोडायनेमिक डेफिनेशन ये ग्रीक वर्ड से निकला है. बायो का मतलब है लाइफ और डायनेमिक का मतलब है एनर्जी. तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम वर्क कर रहे हैं विद द एनर्जीज विच क्रिएट एंड मेंटेन लाइफ. तो हम मेनली बायोडायनेमिक फार्मिंग में होता क्या है, हम कोई केमिकल्स यूज़ नहीं कर रहे. जैसे हमने देखा होगा कि ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम केमिकल्स यूज़ करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज़ करते हैं. बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स. तो हम ऑर्गेनिक केमिकल्स यूज़ करते हैं, पर इसमें ना कोई केमिकल्स यूज़ करते हैं, खाली हम डिफरेंट डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स यूज़ करते हैं और प्लांट्स के पार्ट्स यूज़ करते हैं. इवन कि हम स्मॉल इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर ये तक हम यूज़ करते हैं इस फार्मिंग में. इस मारे ये बहुत कम देखी जाती है इंडिया में. तो बहुत इंटरेस्टिंग फार्मिंग है. हम पढ़ेंगे कैसे कैसे हम ये फार्मिंग करते हैं, अलग अलग तरीके, अलग अलग प्रिपरेशन. सो अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का, ये पार्ट है, सिस्टम है, बट ये उससे 50-60% अलग है. विच रिकोगनाइज द बायोलॉजिकल एंड केमिकल वैल्यू ऑफ सॉइल एंड ट्रीट फार्म्स एज लिविंग सिस्टम टू बिल्ड हेल्दी लिविंग सॉइल. इट इज स्टार्ट इन इंडिया इन अर्ली 90s व्हेन पीटर प्रोक्टर वॉज आस्क्ड टू कम टू इंडिया बाय श्री टी जी के मैनोम इन 1993. तो अर्ली 90s में ये फार्मिंग हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुई है. बट जैसा हम देख सकते हैं बायोडायनेमिक फार्मिंग बहुत कम फार्मर्स यूज करते हैं. उसके बाद अगर हम बात करें कौन कौन से प्रिंसिपल्स, कौन कौन से सिद्धांत जिस पर ये फार्मिंग बेस्ड है, तो फर्स्ट है सॉइल, सेकंड ऑर्गेनिक मैटर, थर्ड कॉस्मिक फोर्स, फोर्थ सब्सटेंशियल एनर्जी, फिफ्थ है फार्म ऑर्गेनिजम्स, सिक्स्थ ह्यूमस, सेवन्थ पेपनिंग एंड एट्थ बीडी प्रिपरेशंस, नाइन्थ क्रॉप रोटेशन एंड लास्ट है काउ मैन्योर. तो हम इसमें एक तो बीडी प्रिपरेशन डिटेल में डिस्कस करेंगे गाइस, और बाकी थोड़ा थोड़ा भी टॉपिक के बीच में चलता रहेगा. उसके बाद अगर हम बात करें इसके इफेक्ट कि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए एनवायरनमेंट क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, तो फर्स्ट है कि वाइटलिटी ऑफ फूड को इंक्रीज करता है. वाइटलिटी होती है उसकी लाइफ फूड की. दूसरा, रिजनरेट नेचुरल रिसोर्सेज सच एज सॉइल, सीड एंड वाटर. जैसा कि हमने देखा है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो सारे खत्म होते जा रहे हैं, पर अगर हम ये फार्मिंग करेंगे तो हम उसकी सॉइल की फर्टिलिटी हो गई तो हम उन सबको रिजनरेट कर सकते हैं. उसके बाद बेटर एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन रिलेटिव टू अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड, कि जो एनर्जी यूज हो रही है उसकी एफिशिएंसी को, प्रोडक्शन को हम अच्छा कर सकते हैं. टू क्रिएट पर्सनल रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड इन विच वी लिव. अब आपने देखा होगा कि हमारी पूरी साइकिल बनी हुई है, हम किसी ना किसी पे डिपेंड है, जिसको हम कहते हैं इकोसिस्टम. तो ये क्या करता है, हमको रिलेट करता है विद द वर्ल्ड. तो एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है वर्ल्ड के साथ, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस फार्मिंग में पेड़
और पशुओं पे डिपेंड है, तो फिर उससे क्या होगा, हमारा रिलेशनशिप अच्छी होगी, हमें उनकी नीड है और उनको हमारी नीड है। उसके बाद ग्रेटर अर्थवर्म पॉपुलेशंस एंड बायोमास देन कन्वेंशनल फार्म्स। तो अर्थवर्म को जो पॉपुलेशन है जो हमारी फर्टिलिटी बढ़ाती है सॉइल की, उसको भी इंक्रीज में आएगा। मोस्ट ऑफ ऑल टू बी सर्विस टू द अर्थ एंड इट्स बींग एडिंग नेचर वेयर इट्स वीक ड्यू टू कॉन्स्टेंट यूज। तो ये भी वही लाइन कही रहे हैं दोस्तों कि जो एज हम सर्विस टू द अर्थ, कि हम अपनी अपनी जो हमारी एनर्जी है वो हम सर्व कर रहे हैं अर्थ को, एंड एडिंग नेचर मतलब हम नेचर को हील कर रहे हैं, हम नेचर को रिजनरेट कर रहे हैं उसकी पावर को, और जो कि वो बहुत वीक हो चुकी है क्योंकि हम लगातार उसका यूज करे जा रहे हैं। तो यही बात है कि हम एज अ सर्विस मैन यूज कर रहे हैं और अर्थ को हम सर्व कर रहे हैं अपना वर्क, और एक हीलिंग नेचर है जो कि बहुत खराब हो चुका है इन दिनों क्योंकि हम उसको लगातार यूज कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एडवांटेजेस की, तो जो फर्स्ट एडवांटेज है वो है कि टॉप क्वालिटी फ्रूट्स का प्रोडक्शन होगा और वेजिटेबल्स का, मतलब क्वालिटी में कोई इशू नहीं आने वाला। दूसरा है कि जो फ्लेवर्स वगैरह है और न्यूट्रिशन है वो सब हाई लेवल में रहेगा, तो क्वालिटी वाइज कोई इशू नहीं है। सेकंड थिंग्स, जो यील्ड होगा मतलब जो प्रोडक्शन का रेट होगा वो अबव द एवरेज होगा, मतलब नॉर्मल से भी तुम्हें और अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा इस फार्मिंग के थ्रू। कोई केमिकल हम जो यूज कर रहे हैं ना वो ग्रेन्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को खराब नहीं करेंगे, तो उसकी हमें कोई टेंशन नहीं है। लिटिल ट्रबल विद लिव स्टॉक्स एंड प्लांट डिसीज, थोड़ी बहुत जो दिक्कतें आएंगी वो होंगी लाइव स्टॉक्स और प्लांट डिसीज, मतलब अगर आप प्लांट में कोई डिसीज आ जाती है, कोई फंगस वगैरह लग जाती है, तो वो थोड़ी बहुत दिक्कत तो आती है 10-20% क्रॉप्स पे। उसके बाद नो स्प्रेडिंग ऑफ इंसेक्ट पेस्ट एंड नो ग्रेट इकोनॉमिक डैमेज ड्यू टू देयर प्रेजेंस। तो ये कह रहा है थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी पर ज्यादा ग्रेटर इकोनॉमिक डैमेज नहीं होगा उनके प्रेजेंस से। द इम्पोर्टेंट क्राइटेरियन इज टू सस्टेन द फर्टिलिटी ऑफ अ फार्म डेट लास्ट फॉर फ्यूचर। जो मेन हमारा जो मोटिव है वो है कि हम सस्टेन कर पाए, हम मेंटेन कर पाए फर्टिलिटी ऑफ फार्मिंग को, जो कि हमारे फ्यूचर में काफी काम आनी है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, मतलब प्रैक्टिकली हम अप्लाई कर रहे हैं इसको, कहाँ कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। फर्स्ट कि वॉक अराउंड यूर लैंड ईच डे विद ऑल इट्स एक्सपेक्ट, मतलब उसको हम देखने के लिए हम एक वॉक अराउंड कर लें उसका, लैंड का इस्टेब्लिश कर लें, एनवायरमेंटल कंट्रोल का इंट्रोड्यूस, सॉइल प्रोटेक्शन, क्रॉप रोटेशन एंड कवर क्रॉप्स, इम्प्रूव सॉइल कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, मतलब जो हम सॉइल की जो हम फर्टिलिटी इम्प्रूव करने का जो प्रैक्टिसेस है उसको और इम्प्रूव कर पाएंगे, इंट्रोड्यूस ग्रीन मैन्योरिंग, केयरफुली प्लोड और ड्रग अंडर। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है वो है यूज मल्चिंग वेन एवर पॉसिबल। मल्चिंग होता है कि हम पत्तों से ढक देते हैं, शेडिंग विद द लीव्स ऑफ ट्री, तो मतलब जिसमें मतलब यूज मल्चिंग वेन एवर पॉसिबल, जितना हो सके अपने क्रॉप्स को ढका के रखिए क्योंकि उस पे सनलाइट डायरेक्ट ना पड़ पाए और एक्सट्रीम्स समर्स में वो सॉइल, वो जो क्रॉप्स हैं खराब नहीं हो पाए। उसके बाद जो सेवन्थ पॉइंट है वो है मेड कंपोस्ट एंड ट्रीट विद बीडी प्रिपरेशन, डू नॉट वेस्ट एनी ऑर्गेनिक मटेरियल, कलेक्ट एवरीथिंग। तो हमें ऑर्गेनिक मटेरियल कलेक्ट करना है, उसको वेस्ट नहीं करना, यूज द बीडी प्रिपरेशन 500 एंड 501 एज नेसेसरी। अब आप सोच रहे हो बीडी प्रिपरेशन बहुत बार आ रहा है, तो हम ये पढ़ेंगे गाइस, बीडी प्रिपरेशन भी 8-9 तरह की होती है, 500 to 509 समथिंग तक जाती है ये, तो वो भी हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे बाद में। तो ये कह रहा है कि बीडी प्रिपरेशन बायोडायनेमिक प्रिपरेशन इसकी फुल फॉर्म है, तो वो भी नेसेसरी हो तभी यूज़ करिए, अप्रोप्रिएट टाइम पे यूज़ करिए, ये नहीं है किसी भी मंथ में हमने यूज़ कर लिया, क्योंकि हर बीडी प्रिपरेशन की एक पर्टिकुलर मंथ होता है कि वो जनवरी में यूज़ होगा या फरवरी में यूज़ होगा, तो पर्टिकुलर मंथ में यूज़ करिए ऑन द लैंड एंड ग्रोइंग प्लांट्स। उसके बाद यूज अदर प्रिपरेशन सच एज काउ पेट पिट, पंचगव और नेचुरल लिक्विड फर्टिलाइजर्स, तो हमको ये भी यूज करना है, ये नहीं है खाली बीडी पे ही हम डिपेंड रहे। उसके बाद हमको समझ में तो आ गया कि है क्या चीज, उसके इफेक्ट क्या है, उसके एप्लीकेशन क्या है, उसके एडवांटेज क्या है, पर अगर हमें बायोडायनेमिक फार्मिंग करनी है तो कैसे करनी है, तो उसके मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट है बायोडायनेमिक प्रिपरेशन, मतलब हम जो खाद बना रहे हैं या फिर जो हम कंपोस्ट बना रहे हैं वो कैसे बनाएंगे, वो भी 2 तरीके से बना सकते हैं हम, फील्ड मैन्योर से
और कंपोस्ट मैन्योर से। उसके बाद प्लांटिंग कैलेंडर, मतलब कौन सा प्लांट कब लगाना है, कब कल्टीवेशन करना है, कब उसको हम अपना सीड्स वगैरह को सोइंग करना है, तो वो सब हम पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद सीड प्रोडक्शन, तो इन तीन पार्ट्स में बेसिकली बायोडायनेमिक फार्मिंग या फिर बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर डिवाइड करा हुआ है। उसके बाद जैसा कि हमने देखा था बायोडायनेमिक प्रिपरेशन के सब टाइप्स हैं, फील्ड और कंपोस्ट बीडी में, तो फील्ड के अंदर आते हैं 500 और 501, और कंपोस्ट में आते हैं 502 to 508। तो टोटल ये 9 BD प्रिपरेशंस हो गए। उसके बाद जैसा कि आप देख सकते हो कि ग्रुप ए मतलब फील्ड मैन्योर में 2 BD थे और कंपोस्ट मैन्योर में 7 BD थे। तो इन सब का हमने ये लिख रखा है इंग्रेडिएंट्स कि क्या क्या यूज करना है हमको। जैसे 500 में हमें काउ हॉर्न चाहिए और फ्रेश काउ डंग, और 501 में हमको काउ हॉर्न चाहिए और सिलिका क्वार्ट्स क्रिस्टल चाहिए। अगर हम बात करें 502 की, तो हमको येरो चाहिए और यूरिनरी ब्लैडर ऑफ स्टैग। स्टैग होता है बारहसिंगा, तो उसका हमें यूरिनरी ब्लैडर चाहिए, और येरो एक फ्लावर होता है। 503 में हमको एक चैमोमिल और काउ इंटेस्टाइन चाहिए। 504 में हमको स्टिंगिंग नेटल चाहिए। 505 में हिमालयन ओक बार्क चाहिए, और एक स्कल चाहिए, खोपड़ी चाहिए किसकी, डोमेस्टिक एनिमल की। 506 में एक ये फ्लावर चाहिए हमको जिसका नाम है डेंडलियन, और एक बोविन मेसेंट्री चाहिए। 507 में एक वेलरियन चाहिए, और 508 में हमको एक केसुरिना टी चाहिए। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। अगर आप चाहते हो इनको डिटेल्स में समझना और एक्चुअल में जानना कि ये कैसे कैसे बनते हैं, क्या प्रोसेस है, तो ऊपर गए हुए आई आइकन को प्रेस कीजिए, आप मेरे उस वीडियो में चले जाएंगे जहाँ पे मैंने डिटेल में इसको डिस्कस कर रखा है। सो यही तक आई इस वीडियो में। आई होप कि आपको बायोडायनेमिक फार्मिंग के बारे में कुछ नया पता चला होगा। अगर आपको कुछ भी नया पता चला है गाइस, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, एंड इफ यू आर न्यू हेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू गाइस, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।